अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, शार्प इंडियंस न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। नमाज ईद उल अज़हा के इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। ईदगाह मिरालम में ईद के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। चारशुंबे के रोज़ हज़ारों मुसल्ली नमाज ईद उल अज़हा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा की जाएगी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हफ्ते के रोज़ मुख्तलिफ आला अहदेदारों के साथ ईदगाह का दौरा किया और तमाम इंतजाम का जायज़ा लिया। ईदगाह पर इंतजाम से मुतालिक कामों का आगाज कर दिया गया है। जीएचएमसी कारकुनों ने सफाई के कामों को शुरू कर दिया। ईदगाह मिरालम के अंदर फर्श की सफाई भी की जा रही है। पानी के डिस्पेंसर्स लगाए गए हैं। नमाज ईद उल अज़हा के मौके पर ट्रैफिक के लिए रोड पाबंदियों पर भी गौर किया जा रहा है। सिक्योरिटी कवर फराहम की जा रही है। मोहम्मद सलीम ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वह मौसम के लिहाज से ईदगाह के बाहर इजाफा शुदा खेमे लगाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इन्होंने कहा कि इमाम खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी नमाज की इमामत करेंगे और बाद में खुतबा देंगे। ईदगाह मिरालम में नमाज सुबह 9:30 पर अदा की जाएगी। इस इजलास में बहादुरपुरा एमएलए नवाब मोहम्मद मौजम खान, मस्जिद के कॉरपोरेटर सैयद रफीक, एडिशनल डीसीपी साउथ जोन बरखी बल्दी आबरसानी के आला अहदेदारों के अलावा एआईएमआईएम के एक्टिव मेंबर्स भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात मोहम्मद सलीम की जबानी। पेश है हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद इकबाल की शार्प इंडियंस न्यूज से ये खुसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्योंकि 1.5 साल के बाद 2 ईदें चले गई, इससे पहले रमज़ान भी नहीं हुई, बकरीद भी नहीं हुई, फिर ये रमज़ान की ईद भी ईदगाहों में नहीं हुई, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है सब लोग प्रॉब्लम में रहने की वजह से जो है ना अपने अपने एरियों में जो है सोशल डिस्टेंस रख के जो है ना अपने महलों में पड़ी गई। मगर आज जो है ना हमारे गवर्नमेंट और हमारे एसएस साहब, एमआईएम और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, ये पूरी गवर्नमेंट, हम लोग सब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, बल्दिया जीएचएमसी और वाटर वर्क्स, ये सब पूरे वक्फ बोर्ड स्टाफ, ये सब मिलकर जो है अल्लाह के करम से जो है ना अब के ईद की नमाज़ हुईंगी। और 8:30 बजे से 9 बजे तक सैफुल्ला रहमानी साहब बयान करेंगे, फिर 9 बजे से 9:30 तक जाफ़र पाशा साहब बयान करेंगे और 9:30 को इंशाल्लाह ताला रिजवान कुरैशी साहब मक्का मस्जिद के जो इमाम हैं उन्हें नमाज़ पढ़ाएंगे और खुतबा देंगे ईद उज़ुहा का। और मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि कई लोग ईद की नमाज़ नहीं होना बोल के कोशिश कर रहे थे लोग, मगर मैं गवर्नमेंट की तारीफ़ करूँगा, असद साहब की भी एक हिम्मत अफजाई करूँगा कि सब मिल के बोले कि नहीं कुछ नहीं है, जब मस्जिदों में पूरी नमाज़ हो रही, शादी खानों में दावतें हो रहे, हर चीज़ ओपन है, तो फिर ईदगाह में नमाज़ क्यों नहीं होना बोल के ये हुआ। तो अल्लाह के करम से ईदगाह क्या है, ओपन रहता है, या करोना वरोना का कोई ऐसा डर नहीं रहता, मस्जिद फिर भी बन रही थी, ये ओपन में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर मेरी आवाम से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसा मक्के में, मदीने में भी देखिए आप, वहाँ पर करोना कम है तो भी जो है ना लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2-2 मीटर का फासला रख के नमाज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो और बगैर मास्क के आना भी नहीं है, और अपनी अपनी जानी मास्क भी लेके आइए, यहाँ भी मैट्रेस का इंतज़ाम है, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए आप जानी मास्क अपनी साथ रख के लेके आइए, साफ़ सुथरा रहेगा, इसलिए कि हालात पूरे इंडिया परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है, क्योंकि एक आदमी को प्रॉब्लम हुआ तो पूरा घर परेशान होता, पूरा ख़ानदान परेशान होता, अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारा तेलंगाना इतना सेफ है, गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट इतना मॉनिटर कर रही है, केटीआर साहब, केसीआर साहब और हमारे पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है, कोरोना में पुलिस भी बहुत काम करी, मतलब तो अल्लाह का करम ये है कि यहाँ के पूरे ऑफिसर्स, हर डिपार्टमेंट यहाँ पर हमको काम कर रहा है आवाम के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट भी रहेगा इंशाल्लाह, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर बुलाना पड़ेगा उस दिन, तो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हम एक हेल्थ की जो है ना एक गाड़ी रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना है। मगर मेरी गुजारिश है
ईद का इंतजाम तो वक्फ बोर्ड की तरफ से पूरे शामियाने वगैरह मैड्रेस वगैरह सब हर चीज़ पूरे डिपार्टमेंट सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, मगर सोशल डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ऐसा तो बकरीद की ये नमाज़ को पब्लिक कम आती क्योंकि सब अपने अपने एरियों में जल्दी नमाज जहाँ होती वहाँ पढ़ लेते लोग, अपने अपने घरों के तरफ जो भी मस्जिद रहती वहाँ पर नमाज अदा करते हैं। मगर फिर भी मेरी एक गुजारिश है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, कितने आते आइए आप, ऐसा कुछ नहीं है, मगर कम से कम दो मीटर का फासला रख के नमाज पढ़िए, क्योंकि मक्के में मदीने में हर जगह सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो अपन भी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि जगह नहीं है बल्कि चिपक के पढ़ना नहीं है, जहाँ तक जा सकते क्योंकि जगह की कमी नहीं है। मगर बकरीद को वैसे भी ये ईद उज़ुहा के टाइम पे पब्लिक कम आती है इसमें, क्योंकि जैसा रमज़ान में जितनी आती है उसकी 50% रहती पब्लिक, क्योंकि रमज़ान में क्या है पूरा बहादुरपुरे तक चले आते, शास्त्रीपुरम तक नमाज होती है, तो वैसा नहीं रहता ईदगाह में ही, अल्लाह चाहे तो ये हो जाता। और मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग अपने महल्ले के मस्जिदों में भी पढ़ लीजिए, जिसको ख्वाहिश है ईदगाह में पढ़ने की ईदगाह आइए आप, जो महल्ले की मस्जिद में पढ़ सकते हैं वहाँ पर पढ़िए आप, क्योंकि रश ज़्यादा नहीं होना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरा आपके साथ है, आप जैसा बोलेंगे गवर्नमेंट आपको साथ देंगी, हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके पुलिस, वाटर वर्क्स, GHMC, हाइजेनिक क्लिनिक वगैरह सब हर चीज़, ट्रैफिक पुलिस, ये सब जो है ना सब मेंटेन करेंगे, पर आप भी अपने तरीके से जो है ना मेंटेन करिए सोशल डिस्टेंस। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एकदम डिस्टेंस रख के नमाज़ पढ़ना है, और अपनी जानिमाज़ भी साथ लाइए, पानी का इंतज़ाम है, या वज़ू करिए आके आप, या वज़ू करके भी आए तो अच्छी बात है। तो बहरहाल यहाँ पर इंतज़ाम पूरे अल्लाह के करम से चल रहे हैं, और मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि KCR साहब जो है पूरे स्टेटों के बनिस्बत हमारा स्टेट जो है ना बहुत सेफ रहा, ये कोरोना में भी 2 साल से भी जैसा कोरोना चल रहा 1.5 साल से तो सेफ रहा अल्लाह के करम से। फिर आने वाले टाइम में भी सितंबर अक्टूबर में बोल रहे लोग, अगस्त के बाद में कोरोना का अभी भी दिल्ली बन रही है, महाराष्ट्र में भी शाम में कर्फ्यू रह रहा, मतलब बन रह रहा, तो यहाँ पर भी अभी केसेस थोड़े बड़े वैसा दिख रहा है, यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है, मगर हो फ्यूचर में हो सकता लॉकडाउन भी हो सकता है यहाँ पर फिर सितंबर में ऐसा, मगर एहतियात करे तो लॉकडाउन होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपन एहतियात करना है, पब्लिक की हाथ में है, पुलिस कितना बोल के करेंगी, गवर्नमेंट कितना बोल के करेंगी, पब्लिक की होती तो गवर्नमेंट में ऑफिसर्स तो नहीं है, तो लिहाजा अपन खुद जो है कुरान शरीफ में भी है एहतियात करना है अपने को, और अपनी हेल्थ के लिए अपन एहतियात करना है, एहतियात करने से क्या है दवा से ज़्यादा एहतियात है अपने को, तो लिहाजा मैं ईद उज़ुहा के मौके पर पूरे आलम के मुसलमानों को सबको मैं ईद की भी मुबारकबाद एडवांस में देते हुए सबको ईद का सलाम, और हमारी गवर्नमेंट अल्लाह के करम से जो है ना कोई चीज़ की कमी कसर बाकी नहीं रख रही, KCR साहब गवर्नमेंट और असद साहब सब मिलके जो है ना एक टीम वर्क करके जो है ना माइनॉरिटी के जो भी इशू है उसको अल्लाह के करम से हम लोग करते जा रहे हैं और करते रहेंगे, अल्लाह चाहे तो आने वाले टाइम में भी करेंगे हम लोग। मौसम भाई हमारे यहाँ के MLA डायनेमिक MLA हमारे एक सोबर MLA है, तो इन्हों भी जो है ना रात दिन मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, सब मिलके जो है ना गवर्नमेंट के साथ है, और एक हम लोग एक टीम है, एक फैमिली के वैसा है, और आप लोगों की भी हमको आवाम की भी मदद चाहिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मेंटेन करिए बस, खुदा जरूरत नहीं है कई के लिए ब्लैक डे मनाएंगे भाई, ये ईद कुर्बानी की है, ये आज से नहीं 1400 साल से कुर्बानी होते हुए हमारी सरकार के ज़माने से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जो है, तो यहाँ पर इसको मनाने की कभी भी ब्लैक डे नहीं मनाए, ब्लैक डे कब मनाते हैं, कुछ हादसे हो गए कुछ हो गए तो मनाते, ये तो जो है कोरोना का मामला था, कोरोना का अब नहीं है, अल्लाह का करम है अपने पास बोल के हम लोग ईद की नमाज़ भी यहाँ रखे, शादी खाने खुल गए, होटलें खुल गए, तो यहाँ पर ईदगाह में भी नमाज़ को कोई रोकने का सवाल ही नहीं है, और अल्लाह चाहे तो नमाज़ हुएंगी, और अल्लाह के करम से अच्छे पैमाने पे नमाज़ हुएंगी, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना कंपलसरी है, और मास्क लगा के आना कंपलसरी है। जानवरों की हमारी पुलिस और गवर्नमेंट देख लेंगी, वो जो भी ब्लैक डे मनाना है मनाने दीजिए, हम किसी को, ये डेमोक्रेसी है, किसी को रोक नहीं सकते, अपने अपने इख्तियार की बात है, आप खाना नहीं खा के भूखे रहिए, आपकी मर्ज़ी हो खाना खाइए आपकी मर्ज़ी, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसको पुलिस देख लेंगी और हमारी गवर्नमेंट देख लेंगी जो भी करना है। जिस तरीके से नमाज होती है इस मीर आलम का ईदगाह में, हमारे सरदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से बहैसियत इस एरिए के MLA और इस डिवीज़न के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद खादर साहब
तकरीबन पिछले 4-5 दिन से कंसल्ट जितने भी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं यहाँ पर उस सारे डिपार्टमेंट्स को कंसल्ट किए हैं, रिप्रेजेंटेशन किए हैं यहाँ के वर्क्स का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जनाब मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड यहाँ पर तशरीफ़ आए हैं इंतज़ाम के सिलसिले में। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड की जानिब से और सारे दीगर डिपार्टमेंट की जानिब से जो भी इंतज़ाम होना था अल्हम्दुलिल्लाह इस ईदगाह में मुकम्मल हो चुके हैं, और जो भी बाकी है इंशाल्लाह ताला वो ईद से पहले किया जाएगा। शुक्रिया।